Okay, this is the periodic test 2. I will discuss the correct answers in today's class. Okay, so first you have to read the instruction properly. कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का था आपको मालूम होना चाहिए. ओके, 1 to 6 क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 7 to 13 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे. 14 to 15 3 मार्क्स के थे. एंड लास्ट वाला क्वेश्चन ये था 5 मार्क्स का. ओके, बट 5 मार्क्स में आपको PDF भी अपलोड करनी है. तो ये सारी कंडीशंस हैं. नेम एंड क्लास आई होप सबने लिख दिए थे. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पैरेलल लाइंस हैविंग स्लोप एम एंड एन. पैरेलल लाइंस की कंडीशंस क्या होती है, उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं. तो एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए. तो दैट मीन्स एम इज इक्वल टू 1 एन, ये ऑप्शन नहीं है. एम माइनस एन इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एम इज इक्वल टू एन. दैट मीन्स ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है. क्लियर? तो अगर हमारे पास लाइंस पैरेलल होंगी तो दैट मीन्स उनके स्लोप्स इक्वल होंगे. ओके, तो बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने किया है काफ़ी. ने स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना था. स्लोप ऑफ द लाइन वाई इज इक्वल टू 2x. वाई इज इक्वल टू एम एक्स मेरा लाइन का इक्वेशन होता है. इससे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू m इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर. एंड थर्ड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स. तो एलिप्स के बारे में आपको मालूम है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज लेस देन 1 होता है. तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली देख लीजिए, इस यहाँ पे ऑप्शन में लेस देन 1 वाला कौन सा है. तो 0.5 इज लेस देन 1, सो ये ऑप्शन सिंपली करेक्ट था. यहाँ पे कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल है. इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज 1. तो सिंपल करेक्ट आंसर. इसेंट्रिसिटी ऑफ इक्विलेटरल हाइपरबोला, इक्विलेटरल हाइपरबोला के बारे में आपको सभी को मालूम बताया गया है कि अगर a इज इक्वल टू b, दैट मीन्स हमारा जो ट्रांसफर एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस बोथ आर इक्वल, देन इट इज इक्विलेटरल हाइपरबोला. जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसमें एक्सिस इक्वल है, तो उसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है, √2 आती है. तो सिंपली आपको कुछ फैक्ट रिमेंबर करने चाहिए. तो यहाँ पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है. तो ये भी काफ़ी स्टूडेंट ने सही किया है ना, नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पे ऑक्टेंट के नाम बताने थे. तो बहुत सिंपल सा था ये, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था कि आपको क्या करना है, कि आपने जो अभी तक क्वाड्रेंट पढ़े हैं तो क्वाड्रेंट को एक बार लिख लेते हैं. तो क्वाड्रेंट को क्या करते हैं, प्लस प्लस और उसके बाद माइनस प्लस, देन आफ्टर दैट माइनस माइनस, देन प्लस माइनस, ये होगा. ये तो क्वाड्रेंट हो गए. अब यहाँ पे सारे पे प्लस ऐड कर दीजिए. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो दैट मीन्स एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि आपका थर्ड प्लेस पे अगर माइनस है, थर्ड प्लेस पे माइनस है, तो ये फिफ्थ क्वाड्रेंट से लेके सेवन्थ क्वाड्रेंट तक कोई वैल्यू होती है. ओके, तो ये फिफ्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये सिक्स्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये सेवन्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये एट्थ क्वाड्रेंट हो गया. ओके, ये हो गए आपके. और यहाँ पे हम भी फिर से क्या करते हैं, सारी क्वाड्रेंट की वैल्यू लिख लेते हैं. जैसे क्वाड्रेंट की वैल्यू आपने नाइन्थ में पढ़ रखी है, 9th, 10th, जहाँ भी पढ़ा होगा आपने. और यहाँ पे थर्ड प्लेस पे हम माइनस रख देते हैं, यही होता है क्वाड्रेंट को, ये आपको मैंने बताया भी था. तो थर्ड प्लेस पे माइनस है यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये फिफ्थ से सेवन्थ तक कोई वैल्यू होगी, और ये वैल्यू होगी फिफ्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो बहुत सिंपल सिंपल से ऑब्जर्वेशंस थे. आप सभी ने काफ़ी के आंसर्स अच्छे भी आए. और यहाँ पे भी ये ऑक्टेंट क्या होगा, 7th इसका आंसर होगा. तो उसी की मीन्स सारे तीनों ही प्लेसेस पे माइनस है, दैट मीन्स 7th. क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन था. वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की वर्टिसेस क्या होती हैं. तो हाइपरबोला की वर्टिसेस, सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा किस कैटेगरी का हाइपरबोला है ये. फिर इसकी वर्टिसेस एक्स एक्सिस होंगी कि वाई एक्सिस होंगी. तो सिंपली एक बार मैं सिंपलीफाई करके आपको बता देता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आफ्टर सिंपलीफिकेशन होगा. माइनस किसके साथ ऐड हुआ है, एक्स के साथ, मतलब एक्स एक्सिस इज नॉट ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही वर्टिसेस होंगी.
तो ये हाइपरबोला कुछ इस कैटेगरी का होगा, ये सारा डिस्कशन हो चुका है। अब वाई एक्सिस का होगा और वर्टिसेस क्या होंगी, प्लस माइनस, ये है हमारा वर्टिसेस के लिए, ये आपके पास हिंट है। ए की वैल्यू प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस ए, यहाँ पर 0, प्लस माइनस 4, दैट इज ये ऑप्शन। ओके, तो बहुत सिंपल सिंपल से हैं, आपको सब कुछ डिस्कशन कर चुका था, बहुत सिंपल पेपर मैंने बनाया था इसीलिए कि आप स्कोर कर सको। ठीक है, सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? अब ये है सिंपल सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करके आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हो, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखिए ये तो सिंपल सीधा फार्मूला है, तो अपने फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, बट अगर इफ़ एनीवन वांट्स कि हम होल स्क्वायर वाले वर्जन में चेंज करें इसको, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, सिंपल आंसर आएगा 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लाइन 3x प्लस 4y मेक्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो लाइन इंटरसेप्ट करेगी, जो भी पार्ट इंटरसेप्ट करेगी, दैट मीन्स वाई की वैल्यू 0 होगी। तो इस इक्वेशन में आप वाई 0 पुट कर दीजिए, सिंपल एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। वाई 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/3। कुछ लोगों ने 3/5 भी आंसर दिया है, तो -5/3 इज़ द राइट आंसर। और दूसरा तरीका क्या है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो वहाँ से भी एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ये तो एक तरीका है, दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करिए। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला है, 3x प्लस 4y माइनस 5, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स -3x/5 प्लस 4/5 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, x अपॉन -5/3 प्लस y अपॉन -5/4 इज इक्वल टू 1। जो भी डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों ही पूछे जा सकते हैं, इवन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द सम ऑफ एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट 1-1, 3, 5। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू पॉइंट्स का फार्मूला आपके पास है, y-y1 y2-y1 अपॉन x2-x1 इंटू x-x1, ये है फार्मूला। ओके, इस फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे आप सिंपली, देन दिस इज द आंसर, -3x + y + 4। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दी लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप पहले स्लोप निकाल लीजिए लाइन का, जो हमें लाइन चाहिए। इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप क्या होता है, -a/b, x का कोफिशियंट अपॉन b का कोफिशियंट, तो यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2। तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, हमें मालूम है कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। देन इस लाइन का स्लोप है -1/2, सेकेंड लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप हमें फाइंड आउट करना है, तो आप सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में किस लाइन का स्लोप 2 है, ये। अब ये लाइन 1, -2 से भी पास कर रही है, 1, -2 से पास कर रही है, तो अब आंसर आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, इसके फार्मूले हैं, आप वहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे जो ऑप्शन था, वहाँ पे प्लस का पॉइंट रहा होगा आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन थे। तो इसका आंसर y इक्वल टू 2x है, ये वाला आंसर एग्जाम में,
यहाँ पे प्लस मैंने चेंज किया होगा आपकी पीडीएफ में, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 2x इज द राइट आंसर। सो ये आप देख सकते हो यहाँ क्लियर, मैं आपको दिखा देता हूँ नहीं तो किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे वो पीडीएफ बाई मिस्टेक थी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 1,2 है, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x आपका आंसर था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2-5 फ्रॉम द लाइन इज, अब डिस्टेंस और पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। तो सिंपल है, आपको मालूम है अगर लाइन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स वन एंड वाई वन, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला, सिंपल है, मॉडुलस फंक्शन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है जिससे हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, ओके, एक्स वन वाई वन पॉइंट गिए थे, गिवन है, तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं ये पॉइंट जो है लाइज ऑन द लाइन, लाइन पे ही पॉइंट है। जब पॉइंट लाइन पे है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। आप पुट करिए, पुट करके मैं दिखा भी देता हूँ आपको, 2 × 3 − 4 × −5 − 26, तो ये हो गया 20 + 20 and 6 − 26, तो ये 0 हो गया, मीन्स पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो पॉइंट लाइन पे ही है, नॉट आउटसाइड द लाइन, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 हो गई। अगला क्वेश्चन था इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स निकालना। ओके, अब ये क्या था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। ये यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये कैसा कॉनिक सेक्शन है, एलिप्टिकल है, तो ये कॉनिक सेक्शन एलिप्स का है, तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी अभी डिस्कस किया, लेस देन 1 होती है। अब यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन हैं इसमें से कोई भी लेस देन 1 नहीं है, दैट मीन्स नन ऑफ दीज इज द आंसर। ओके, तो आपको राइट आंसर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पेपर तो बहुत सिंपल बना था, बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था, और लोग काफ़ी स्टूडेंट के मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं इसीलिए शायद। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करना। लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला 2b² / a। ओके, सो दिस इज द फार्मूला ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ए भी आपको फाइंड आउट करना है स्मार्टली, ए भी अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी निकाल सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। तो सिंपल इसका आंसर देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सो y² / 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 − x² / 9। ये तो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, हाइपरबोला। अब यहाँ पे ए बी हमें डिसाइड करना है, व्हाट इज ए व्हाट इज बी। तो अगर आपको याद होगा यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस इसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जो भी ट्रांसफर एक्सिस होगी यहाँ पे हमें नंबर पे नहीं जाना है, जो भी ट्रांसफर एक्सिस होगी दैट इज ए, ये ए है, ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू 2 हो गई, ए इज 2 एंड बी इज 3। अब वैल्यू आप पुट करिएगा तो यहाँ पे 9 इज द आंसर। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देगा। ओके, सो 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स डिवाइड बाय द प्लेन एक्स वाई। अब ये एक्स वाई प्लेन अगर आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, सिंपल क्वेश्चन है, वाई जेड प्लेन है वहां पे, और सारे स्टूडेंट ने वाई जेड प्लेन का ही ऑप्शन यहाँ पे टिक भी कर दिया है,
मैक्सिमम स्टूडेंट की मैं जिसके नंबर से यहाँ से कटे हैं, तो आपने बुक से या बुक का याद रहा होगा, जैसा भी रहा होगा, तो वहाँ से ऑप्शन टिक कर दिया तो कम से कम पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करिए। मैंने एक जगह चेंज किया था, वाई जेड प्लेन डिवाइड करती है दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू जीरो। वाई जेड प्लेन डिवाइड करेगी, वाई जेड प्लेन पे क्या जीरो होता है, जेड जीरो होता है। तो जेड जो जेड कोऑर्डिनेट है उसको जीरो पुट करना है, और जेड कोऑर्डिनेट को आप जीरो कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाता है। देखिए अब हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, के रेशियो वन में डील करते हैं। बहुत सिंपल था, के रेशियो वन में डील करते हैं। के रेशियो वन में डील करेंगे हम सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस माइनस 8 के अपॉन के प्लस 1, ये जेड कोऑर्डिनेट होगा और यही जीरो के इक्वल होगा, तो सीधा जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 8k इज इक्वल टू 10, सो वैल्यू 8k इज इक्वल टू 10, सो k विल बी इक्वल टू 10 बाई 8 दैट इज 5/4, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट 5/4। क्लियर, तो ये सब चीज़ें ध्यान दिया करिए। नेक्स्ट है लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, 16 क्वेश्चन। लाइन पासिंग द पॉइंट -2.6 एंड 4.8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी क्वेश्चन बुक में है, बस थोड़ा सा मैंने नंबर्स में चेंज किए हैं। ओके, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट जो लाइन है टू पॉइंट से पास करती है, उसके स्लोप्स निकालेंगे, देन स्लोप इज गिवन बाई y2 - y1 x2 - x1। ऐसे ही सेकेंड लाइन का स्लोप निकालेंगे, और हमें मालूम है कि टू लाइन्स आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, तो ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम है। देन आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे, एक्स की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आंसर होगा 3। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी का ऑप्शन दिया है, एनसीईआरटी में 4 आंसर है, बट वहाँ पे क्वेश्चंस भी डिफरेंट हैं। ओके, सो दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 7, इफ फोकस 5.0 एंड डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू -5, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, फोकस क्या होता है, ए की वैल्यू होती है, 5.0 मीन्स जो हमारा पैराबोला है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप है। ए की वैल्यू फोकस से ले लेते हैं, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए की वैल्यू गिवन है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो पैराबोला है एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग, जो फोकस से एग्जैक्टली हमें मालूम चल जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आई होप 35 मार्क्स तो सभी के आने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो सीधा फार्मूला है, अगर हमारे पास लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का सिंपल फार्मूला है। हाँ, पैरेलल लाइंस में बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारे कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो पैरेलल लाइंस होंगी। इनका डिस्टेंस का फार्मूला है सी वन माइनस सी टू मॉडुलस फंक्शन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला। अब इस फार्मूले में हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है।
देखिए यहाँ पे 6 है कांस्टेंट में और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा। 1 अपॉन अंडर रूट क्या करेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 25, अंडर रूट लोगे तो 5, 1/5, तो सी इज़ द राइट आंसर। जो थर्ड ऑप्शन है आपका दैट इज़ द करेक्ट, और ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके लास्ट क्वेश्चन दैट इज फूट ऑफ परपेंडिकुलर से रिलेटेड था, अच्छा क्वेश्चन था जिसकी पीडीएफ भी मांगी गई थी और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन, पॉइंट से लाइन पे फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फूट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है जहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहाँ पे हिट करता है दैट इज द फूट, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फूट ऑफ परपेंडिकुलर। और इसका आंसर सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, बट इसकी पीडीएफ भी आपको अपलोड करनी थी। तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। ओके ओके ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिए। ओके तो इस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन था 3x-5y-16=0, पॉइंट है -1,3। अब ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है तो हमें इस जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है इसका भी हम इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट गिवन था, बस स्लोप निकालनी थी इस लाइन की जो इसके परपेंडिकुलर है, तो हम स्लोप निकाल लेते हैं, सिंपल है। तो यहाँ से हम इस लाइन का स्लोप निकाल लिया हमने पॉइंट के। ओके स्लोप निकालने के बाद जैसे ही आप स्लोप निकालोगे ये कॉन्सेप्ट लगा दोगे दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो ये देखिए एक स्टूडेंट ने सॉल्व भी किया था, ढेर सारे स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, इनफैक्ट सभी ने भेजा है इसका पीडीएफ, तो उसमें से एक पीडीएफ ये थी, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके यहाँ से स्लोप भी फाइंड आउट हो गया और स्लोप के बाद हमने लाइन निकाल दी। अब दोनों लाइन का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, स्लोप इज 3/4 जो लाइन गिवन थी, तो दूसरी लाइन जो सी डी है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -4/3। अब 4/3 स्लोप आ गया तो लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। ये यहाँ पे हमने पॉइंट का फार्मूला यूज़ कर लिया कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। ओके तो लाइन भी हमने फाइंड आउट कर ली और आप इजली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट था।